प्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? ईश्वर के असीम अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 3 मेरे पिता प्रेमचंद का अध्ययन करेंगे। ये पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। इस कहानी के लेखक अमृत राय जी हैं, जो हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक व विद्वान मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे। इस कहानी में उन्होंने अपने पिता प्रेमचंद जी के जीवन का चरित्र चित्रण किया है। लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया है कि एक पिता पुत्र का ना केवल पालनकर्ता होता है, परंतु उसका मित्र व गुरु भी होता है। बच्चों, लेखक ने अपने पिता प्रेमचंद जी का एक सहज व शाब्दिक प्रस्तुतिकरण किया है। तो आइए बच्चों, पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 3 मेरे पिता प्रेमचंद। प्रेमचंद बहुत सीधे साधे, बेलौस, मोहब्बती आदमी थे। जो भी लोग उनके संपर्क में आए, उनको प्रेमचंद का यही रूप देखने को मिला होगा। घर में भी उनका यही रूप था, घर के बाहर और घर के भीतर। अपने बाहर और अपने भीतर कहीं भी उनमें कोई दुरंगापन नहीं था। सब जगह वह रूप एक सा था, झील के नीले पानी की तरह साफ पारदर्शक। यही उस आदमी की सबसे बड़ी महानता थी कि वह किसी भी तरह महान नहीं था, ना कपड़े लत्ते में, ना तौर तरीके में, ना बोलचाल में, ना रहन सहन में। हर तरह से वह आदमी एक साधारण निम्न मध्य वर्ग का आदमी था, बाल बच्चेदार, गृहस्थ, बाल बच्चों में रमा हुआ। बच्चों, इस कहानी के लेखक अमृत राय जी ने अपने पिता प्रेमचंद जी के बहुत ही सीधे साधे और पारदर्शक स्वभाव का वर्णन किया है। उनके पिता हिंदी साहित्य के बहुत महान लेखक थे, परंतु उनकी बोलचाल, उनके रहन सहन को देखकर कोई ये नहीं समझ सकता था कि वो इतने बड़े लेखक भी होंगे। वो एक मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास परिवार के व्यक्ति थे। वो अपने बाल बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन में रहते थे। बच्चों, आगे का अध्ययन करते हैं। क्या तो उनका हुलिया था, घुटनों से जरा ही नीचे तक पहुंचने वाली धोती, उसके ऊपर गाढ़े का कुर्ता और पैरों में जूता, यानी कुल मिलाकर आप उसे देहाती ही कहेंगे। जिसे कपड़ा पहनने की भी तमीज नहीं, जिसे ये भी नहीं मालूम था कि धोती कुर्ते पर चप्पल पहनी जाती है या पंप। मुझे अच्छी तरह याद है कि वर्षों उन्होंने सस्ते के ख्याल से किरमिची का जूता पहना। बच्चों, किरमिची का अर्थ होता है कैनवस के शूज, कैनवस के जूते। और रंगारोगन पर झंझट ना रहे, रोज रोज उस पर सफेद पोती की मुसीबत से नजात मिले, इसलिए वो किरमिच का जूता ब्राउन रंग का होता था। बच्चों, लेखक ने आगे अपने पिता के वस्त्रों को पहनने के ढंग का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से वो वस्त्र पहनते थे, उन्हें देखकर कोई ना पहचान सकता था कि ये इतने बड़े लेखक हैं। वो बहुत ही साधारण स्वभाव के व्यक्ति थे। तो बच्चों, आइए अब हम आगे का अध्ययन करते हैं। मुझे उनके दोनों पैरों की कानी उंगली की अच्छी तरह याद है, जो जूते को चीर कर बाहर निकली रहती थी। सादगी इससे आगे नहीं जा सकती। अपने ऊपर कम से कम खर्च, ये उनकी जिंदगी का साधारण नियम था। घर के बाकी लोग भी कोई मखमल नहीं पहनते थे, मगर उनसे सभी अच्छे थे। यूं तो खैर कभी इतने पैसे ही नहीं हुए कि कोई बड़ी ऐशो इशरत से रहता। और मसल की भी मशहूर है कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ,
उस आदमी को ऐशो इशरत की भूख या हवस भी नहीं थी। उनकी जिंदगी में ऐसे मौके आए जबकि ऐशो हसरत की सुंदर गली उनके लिए खुली हुई थी। दो एक राजाओं ने भी उनको अपने यहाँ बुलाकर रखना चाहा और कृदादानी के ख्याल से ही ऐसा किया, मगर वह राह प्रेमचंद की नहीं थी। उनके लिए खुली हवा का राजमार्ग ही बेहतर था, जहाँ वे एक बड़ के तले कुएं के पास आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। वहाँ खुली हवा तो है, ताज़ा ठंडा मीठा पानी तो है, नीला आसमान तो दिखाई देता है, राह चलते किसी आदमी का गीत तो सुनाई दे जाता है। आदमी आदमी के दुख दर्द की तो एक आधा बात कर लेता है। सोने की उस माया नगरी बम्बई, जो अब बच्चों मुंबई के नाम से जानी जाती है, में तो यह सब कुछ भी नहीं। वहाँ तो इंसानियत भी नहीं, वहाँ तो आदमी आदमी को रौंदकर आगे बढ़ता है। वहाँ कहाँ ठंडा पानी और कहाँ ताज़ी हवा। बच्चों, लेखक ने आगे के वर्णन में अपने पिता के विषय में बताया है कि वो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनको बहुत से राजाओं ने कई बार अपने यहाँ बुलाया, क्योंकि एक वो बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, परंतु वो अपना स्थान छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वो बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, वो साधारण जीवन ही जीना चाहते थे। उन्हें कई बार बम्बई जाने का भी मौका मिला, परंतु उन्होंने वहाँ ना जाना चाहा, क्योंकि वो अपने जन्म स्थान, अपने रहने की जगह नहीं छोड़ना चाहते थे, जहाँ पे मनुष्य मनुष्य के भावों और विचारों को जानता है, एक दूसरे की मदद करता है। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज जितना मैंने आपको पढ़ाया है समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ के का अध्ययन हम भाग दो में कल करेंगे। धन्यवाद। प्रभात बच्चों।